देखो, और यहाँ पे थोड़ा पैर स्लिप हुआ ना तो समझो डायरेक्ट नीचे गए क्या, इतना डेंजर रास्ता है गाइस। चलो चलते, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे साथ आप ही हो, तो मेरे साथ रहना, वीडियो को एंड तक देखना। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रेजी ब्रो ट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आए हैं कहाँ गाए, आज हम आए किले पे जा रहे हैं। किले यानी उसको किला भी बोलते हैं और बहुत ही मंदिर भी बोलते हैं, तो आज वहीं पर जाने वाले हैं। और उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पे कब्रस्तान पे, कब्रस्तान है तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं टोकर पे, वहाँ से एक अच्छा व्यू आता है तो वो देखने के लिए जाएंगे। थोड़ा कब्रस्तान है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। तो मैं अकेला हूँ आज, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम पे बिजी है और मैं जा रहा हूँ अकेला। क्या होता है वहाँ पे जाना है, तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे का सीन नज़ारा। देखो आप देख सकते हो, मैं हूँ अभी एग्जैक्टली समुंदर के पीछे, नहीं आगे पीछे यानी उस साइड होता है, तो देख रहे हो। और हमें जाना है उस तरफ, दिख रहा है, उसको बोलते हैं भगवती मंदिर भी बोलते हैं, उसको किला भी बोलते हैं, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, वहीं रास्ता बहुत डेंजर है, वहाँ पे बहुत एडवेंचर है, बहुत रास्ता डेंजर है, तो हम थोड़ा संभल के जाएंगे। इससे पहले मैं सिर्फ जनाजे के साथ गया हूँ, आज मैं ऐसे वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे कपड़े पे घर भी है ना, तो कपड़े सुखाते हैं, तो चलो चलते हैं गाइस। यहाँ आते तो रास्ता अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर है ना वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, तो हमको देख के जाना पड़ेगा। यहाँ से बहुत डेंजर रास्ता है, यहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, अब यहाँ से हमें जाना है उस वहाँ पर। चलो निकलते हैं, यार मदद। तो गाइस दिख रहा है मैं कहाँ पर हूँ आपको, देखो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि अकेला हो ना, इससे पहले मैं कभी अकेला कभी घूमने नहीं गया हूँ और ऐसी जगह पे तो कभी भी नहीं गया हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो गाइस अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अभी मैं यहाँ तक आया हूँ गाइस, जिक्र आपको नजर आए पता है इस तरफ ना पानी बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ पे बोट वगैरह है ना, तो इसलिए पूरा पानी गंदा है। सिर्फ इधर ही पानी साफ है, और जो दिख रहा है आपको एकदम वो वाला, उसके उधर साफ है पानी ये सब। तो गाइस आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जट्टी है, महाराष्ट्र की सबसे बिगेस्ट जट्टी है। यहाँ पे गोवा में मुंबई में जितनी मच्छी नहीं मिलती ना, उतनी मच्छी यहाँ पे मिलती है यार, यहाँ पे फ्रेश मिलती है मच्छी, पता है, क्योंकि हर दो दिन में एक दिन में मच्छी बोट आती रहती है जाती रहती है, पता है, इसलिए यहाँ पे मच्छी बहुत बड़ी बड़ी मच्छी मिलती है यहाँ पे और फ्रेश मिलती है, और इसलिए इसको कहा जाता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फिश मार्केट भी कहाँ बोलते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ा जट्टी भी बोलते हैं इसको। तो देखो, और यहाँ पे थोड़ा पैर स्लिप हुआ ना तो समझो डायरेक्ट नीचे गए क्या, इतना डेंजर रास्ता है, तो हार्ट बीट भी बढ़ रहा है, नहीं तो कभी हम यहाँ पे बहुत करीब है पता है, तो ट्राई करेंगे वापस जाने के लिए। तो गाइस चलो चलते, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे साथ आप ही हो, तो मेरे साथ रहना, वीडियो को एंड तक देखना। पता है खरा होगा, मेरा पूरा स्वेट आ रहा है क्योंकि धूप भी है ना इतनी, तो सुबह आना चाहिए था, लेकिन सुबह मेरे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने किस फिर बाद में भाईजान की गाड़ी मंग के यहाँ पर आया, पता है। हमारे नाना की खबर है और हमारे मामू की खबर है यहाँ पे, पता है, देख के जाना पड़ेगा, यहाँ तक तो आए हैं। देखो पहले यहाँ पे बहुत सारी खबर थी, अभी पूरा यहाँ पे बंद कर दिया, दिख रहा है आपको, बहुत ही डेंजर रास्ता है, पता नहीं रास्ता आगे है नहीं है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आगे रास्ता है, यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, तो मैं वापस यहीं से निकल जाता हूँ। ओके गाइस, आगे रास्ता ब्लॉक है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि रास्ता है क्योंकि पहले रास्ता था यहाँ पे, तो अभी रास्ता ब्लॉक कर दिया वहाँ पे। इसके ऊपर भी चढ़ते थे लोग, लेकिन अभी बहुत सालों से बंद है ना यहाँ पे, यहाँ पे अभी कोई नहीं आता, और मैं यही पहली बार आया हूँ 7-8 साल के बाद, दिख रहा है आपको, वरना ये सब वरना पता है पहले पूरा क्लीन था, अभी यहाँ पे पूरा कोई नहीं आने की वजह से पूरा झाड़ वगैरह आया है, दिख रहा है। अभी अभी हम चलते उस तरफ, यहाँ पे हमारे नाना की और हमारे मामू की कब्र है, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस अता फरमाए, आमीन बोलो गाइस। अब नीचे जब नीचे जाते वक्त मुझे थोड़ा धीरे से जाना है क्योंकि पैर स्लिप होता है यहाँ पे, क्योंकि लाल मिट्टी है ना,
इसलिए। सभी मैं फिर वापस से जा रहा हूँ, फ्रेंड आ रहा है बोलते, तो मैं उसको लेके जाता हूँ यहाँ से। तो चलो चलते हैं, ओके। यहाँ से किले पे जाएंगे, किले पे से फिर वापस आएंगे, ओके। हाँ Tell me why you left me bleeding. Guys, अभी हम आ चुके हैं एग्जैक्टली भगवती मंदिर के पास। अभी हम अंदर चल रहे हैं। पहले वहाँ पे गए थे, स्लिप तो गए थे हम वहाँ से, फिर अब यहाँ पर आए असलम और मैं आया। पता है आपको जैसे देखा होगा लाइट हाउस का ब्लॉग, तो लाइट हाउस का ब्लॉग लेते हम वहाँ पे गए थे उस तरफ, पता है ना। अंदर जाने का रास्ता यही है, एंटर। तो गाइस देखो ये नक्शा है पूरा यहाँ का, देखो इस तरफ काला समुद्र है ना, काला पानी का समुंदर। यहाँ पे जो भी सब दिखाया, यहाँ पे नक्शा दिखाया, आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा ये किले का। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे दुकान दिखेगा, आप जो भी जाना कर जा सकते हो मंदिर में वो लेके जा सकते हो, अंदर जाना चाहते हो तो। भगवती मंदिर के पास है हम। गाइस देख रहे हो ये गुफा दिख रहा है, देखो ये अंदर जाने का रास्ता है। ये यहाँ से आपको पता है ये कहाँ पे ओपन होगा पता है, विशालगढ़ में, ऐसे अंदर से जाते हैं अंडरग्राउंड पूरा। तो यहाँ पे पहले शिवाजी महाराज वगैरह यहाँ पे रहते थे ना, तो यहाँ से उनका रास्ता था अंदर से जाने का। ये किसी को एकदम बहुत यानी किसी को नहीं पता, एकदम सीक्रेट था ये सब रास्ता पता है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से एकदम आपको ब्यूटीफुल नज़ारा मिलेगा देखने के, पता है आप देख सकते हो मेरे पीछे एग्जैक्टली क्या व्यू आता पता है यहाँ से। एक्चुअली सुबह आना चाहिए था पर सुबह हमें बाइक नहीं मिली, इसलिए हम अभी आ गए धूप में सड़ने के लिए। तो अब मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ से, पता है इधर मैं एकदम नीचे हूँ, अगर यहाँ से नीचे गिरे ना तो गए काम से एग्जैक्टली। अरे मेरे पीछे ये है नर्मदा फैक्ट्री जहाँ पे सीमेंट रेडी होता है, यहाँ से जाते कोकर नगर में। तो गाइस दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये बोट जा रही है मछली पकड़ने के लिए, ये एक है वहाँ पर एक है सब मछली, देखो वहाँ पे पूरे देखो वहाँ पे कितने सारे बोट है, देखो दिख रहे हैं आपको बहुत सारी बोट है वहाँ पे। अरे सबसे लास्ट जटी यही है हमारी, दिख रहे आपको जसो सीन। अरे वहाँ पे मछली पकड़ रहे हो उस लोग उस तरफ। तो गाइस चलो अभी चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं घर पे। भगवती मंदिर भी देख लिया जो देखना था, अभी अभी ब्लॉग में यहीं पे एंड करो। अगर आपने चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।